केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी सांसदों को पढ़ाएगी बजट का पाठ। संसद में देगी बजट की जानकारी। सीतारमण बताएगी बजट की बड़ी घोषणाओं को जनता तक कैसे पहुंचाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे मीडिया से बातचीत। वर्चुअली रेल बजट को लेकर देंगे जानकारी। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा भी मीडिया से होंगे रूबरू। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की याचिका। एनआईए जांच की भी की मांग। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। शीतलहर ने छुड़ा दी धूजनी, लेकिन दिन में धूप भी तेजी से सर्दी का असर हुआ कम। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर वन। सीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी सांसदों को पढ़ाएगी बजट का पाठ। संसद में देगी बजट की जानकारी। सीतारमण बताएगी बजट की बड़ी घोषणाओं को जनता तक कैसे पहुंचाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे मीडिया से बातचीत। वर्चुअली रेल बजट को लेकर देंगे जानकारी। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा भी मीडिया से होंगे रूबरू। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की याचिका। एनआईए जांच की भी की मांग। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। शीतलहर ने छुड़ा दी धूजनी, लेकिन दिन में धूप भी तेजी से सर्दी का असर हुआ कम। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर वन। सीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार।